मुनीश, तुम इस समय पे सो रहे हो? क्या करूं मैडम, रात भर नींद नहीं आ रहा, गर्दन अकड़ी हुई है। कंधे में भी जकड़न है क्या तुम? हाँ, गर्दन में भी रहती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, शायद जो तुम पिलो इस्तेमाल कर रहे हो वो सही नहीं है। आप बताइए कौन सा पिलो यूज कर रहे हैं? आज का टॉपिक हम यही रखते हैं कि कौन सा पिलो आपको यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए डेली, बिकॉज आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपके गर्दन की जकड़न नहीं जा रही है, या सर का दर्द नहीं जा रहा है, या कंधे में जकड़न हो रही है, रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो शायद एक कारण इसका ये है कि आप सही तरीके का तकिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके का तकिया होना चाहिए, हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप स्पाइन को नोटिस करेंगे तो इसमें दो कर्वेचर होते हैं, एक सर्वाइकल पर या ऊपरी गर्दन पर और नीचे आपके बैक पे। तो जो नीचे निचला हिस्सा होता है, वहां जो निचला हिस्सा होता है उसको हम लंबार कर्वेचर बोलते हैं, और ऊपर कर्वेचर को सी शेप का होता है उसको लॉर्डोटिक कर्वेचर बोलते हैं। अगर आपने तकिया सही तरीके का इस्तेमाल किया तो ये कर्वेचर मेंटेन रहता है। अगर तकिया आपका सही नहीं है, मान लीजिए बहुत ही पतला है, तो कर्वेचर आपका बढ़ सकता है क्योंकि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, और अगर तकिया बहुत ही मोटा है तो कर्वेचर आपका घट सकता है या जा सकता है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से आपका कर्वेचर अफेक्ट होता है वो है कंटिन्यूअसली मोबाइल या सिस्टम को देखना। तो जब आप सामने गर्दन को झुकाते हैं तो आपका अगेन कर्वेचर कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप टक और चिन करते रहें और गर्दन को पीछे की तरफ रहे। इससे आपको फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम भी नहीं होगा, जिसमें आपकी गर्दन एक्चुअली आगे हो जाती है। तो टक और चिन इज योर मंत्रा। अब जानते हैं कि अगर हमें मोटा पिलो यूज नहीं करना है या पतला पिलो यूज नहीं करना है तो कौन सा पिलो यूज करना है। मुनीश, तो तुम किस प्रकार का तकिया यूज करते हो? मेरा तकिया तो बहुत पुराना है, 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ, 2 तकिए यूज करता हूँ। तो पहले तो ये याद रखो कि हर 2 साल में तकिया को बदलो, तकिया बदलना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर तुम 2 तकिया रखोगे तो वो मोटा हो जाएगा। अगर मैं 2 तकिया रख रही हूँ तो तुम्हारा सर आगे की तरफ हो जाएगा, तो इसके लिए 2 तकिया नहीं रखना है, तकिया रखना एक है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन सा तकिया यूज करती हूँ। मैं स्लीप सिया का मेमोरी फोम तकिया यूज करती हूँ। इस पिलो की खासियत क्या है कि इसमें अगर तुम देखोगे तो 1 कर्वेचर है और 2 कर्वेचर है, ये मोटे गर्दन के लिए, ये पतले गर्दन के लिए। तुमको जो सूट होता है तुम उस हिसाब से कर सकते हो। इससे क्या है कि तुम्हारी जो गर्दन है वो कान से नीचे तक सपोर्टेड है, तो पूरी की पूरी गर्दन सपोर्टेड है, और क्योंकि ये तुम्हारा शेप ले लेता है, तुम्हारी गर्दन का शेप ले लेता है, तो ये पोर्शन धस जाता है जबकि यहाँ का पोर्शन सपोर्टेड रहता है। अगर तुम सीधे लेटो तो भी ये तकिया तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करता है। तुमको इस तकिए पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। है ना, ठीक लग रहा है ना, क्योंकि ये हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट करता है। तो मुनीश, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम किस तरीके से सोते हो? तो ऐसा सोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाथ रखने से हाथों में प्रेशर जाता है और कंधे का दर्द या गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। पर क्योंकि ये जो मेमोरी फोम पिलो है वो एक्चुअली जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक पिलो है, तो अमाउंट ऑफ काउंटर प्रेशर कम होता है। तो अगर आप हाथ यहाँ नीचे में रखें तो जितना प्रेशर आपका गर्दन हाथों में डाल रही है वो कम होगा। क्या आपको कम महसूस हो रहा है? कम महसूस हो रहा है, है ना। तो जितना गर्दन का वेट है वो हाथों में जाता ही नहीं है। दूसरा, इसका बहुत अच्छी बात है कि इसमें स्वेट भी कम होगा, और क्योंकि ये हाइपो एलर्जिक है तो एलर्जी होने के भी कुछ भी चांसेस नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कवर अलग से दे रखा है, तो एक्चुअली आप कवर को पूरी तरीके से धो सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली रिमूवेबल है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल इजीली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक तरफ मोटाई है और एक तरफ पतलापन है, तो आपकी गर्दन को जो सूट करे, अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जहाँ पे भी लेटना सूट करे, आप उस साइड पे
लेट सकते हैं। तो मनीष, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से आप ये पिलो जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, स्लीप सिया का मेमोरी फोम पिलो, आप यूज करें, क्योंकि ये जेल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऑर्थोपेडिशियन इसे रिकमेंड करते हैं। मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ, डॉक्टर पूजा पांडे त्रिपाठी, मैं भी इसको रिकमेंड करती हूँ।